फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मास्टरिंग साइंस फ्रॉम क्लास सेवेंथ। इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेवन, वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर मौसम, क्लाइमेट जलवायु एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। डिफरेंट क्लाइमेट्स में एनिमल्स अपने आप को कैसे ढालते हैं, अडेप्टेशन का मतलब ढालना। यू मस्ट हैव हर्ड द क्रिकेट एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर स्टार्टिंग द गेम। आपने सुना होगा कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में बिफोर स्टार्टिंग द गेम, स्टार्ट करने से पहले। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों करते हैं। द वेदर मे हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द गेम, जो वेदर है, जो मौसम है, उसका एक ग्रेट बड़ा इफेक्ट, बड़ा प्रभाव होता है गेम पर। अ क्लाउडी वेदर कैन चेंज द कोर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच और स्टॉप इट ऑल टुगेदर बाय ब्रिंगिंग शावर्स ऑफ रेन। क्योंकि क्लाउडी वेदर यानी कि जब बादल छाए हुए हैं तो इसकी वजह से क्रिकेट मैच रुक सकता है या उसे पोस्टपोन करना हो सकता है। ऑल टुगेदर बाय ब्रिंगिंग शावर्स ऑफ रेन, और शायद उस समय बारिश भी हो सकती है। सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कसिंग अबाउट द वेदर बिफोर प्लानिंग इन अ फैमिली फंक्शन। इसी तरीके से आपने बड़े लोगों को बात करते हुए सुना होगा, जब भी कोई बड़ा फैमिली फंक्शन प्लान किया जाता है तो वेदर को ध्यान में रखते हुए ही प्लान किया जाता है। इनफैक्ट मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान एज पर वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि जो डेली एक्टिविटीज यानी जो हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ, उसमें भी हम वेदर को जो प्रिडक्ट किया गया है वेदर फोरकास्ट के द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। दिस वेदर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, तो इसका मतलब क्या निकलता है, जो मौसम है वो हमारे लिव्स, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। वी फाइंड द डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन द टेलीविज़न, हम रोज़ वेदर की रिपोर्ट देखते हैं टेलीविज़न पे, रेडियो पे सुनते हैं, एंड इन द न्यूज़पेपर्स में भी हम पढ़ते हैं। यू आर आस्क्ड टू कैरी वुलन क्लोथ्स व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो टू अ हिल स्टेशन बिकॉज द क्लाइमेट ऑन द हिल स्टेशन इज़ ऑलवेज कोल्ड। तो आपसे वूलन क्लॉथ को कैरी करने से पहले पूछा जाता है कि हिल स्टेशन पे प्लान करने के लिए, बिकॉज द क्लाइमेट ऑन द हिल स्टेशन इज़ ऑलवेज कोल्ड, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है यानी हिल स्टेशन की, वो हमेशा ठंडा रहता है। यू नीड टू नॉट कैरी वूलन क्लॉथ इफ़ यू आर गोइंग टू कोस्टल एरियाज लाइक गोवा एंड मुंबई बिकॉज द क्लाइमेट देयर इज़ नॉट कोल्ड। आपसे तब नहीं पूछा जाएगा वूलन क्लॉथ को कैरी करने के लिए जब कोस्टल एरियाज यानी कि तटीय इलाके हैं, जैसे कि गोवा हो गया, मुंबई हो गया, जहाँ पे बीचेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हमेशा ठंडा नहीं होता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ये बात, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे डिफरेंस वेदर, मौसम और जलवायु के बीच में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेदर, मौसम के बारे में एवं क्लाइमेट, जलवायु के बारे में। We will also see how different animals are adapted to the climate of their habitat. हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो different animals यानी जो विभिन्न प्रकार के जानवर हैं वो अपने आप को कैसे different climate में अपने आप को adapt यानी ढालते हैं। Thank you everyone for listening.